हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इसके साथ आपका मीनिंग और डेफिनेशन अटैच करके पूछेगा कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, या तो फिर बोलेगा कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट्स इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एडवांटेजेस से कि अभी तक जो ग्लोबलाइजेशन हमने देखा उसका मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड से या ग्लोब में ट्रेडिंग करना, तो उसके एडवांटेजेस क्या थी ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पहला, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुए थे अपने आप। सोचो ना कि अब हमारी ट्रेडिंग इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। और क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई होगी, इंडस्ट्रीज और बेटर परफॉर्म की होगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट आया होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ हुई होगी। तो इस तरीके से आप अपने से ही याद कर सकते हैं कि क्या फायदा होगा। पहले हम लोग कम ट्रेडिंग कर रहे थे, अब मार्केट बड़ा हो गया क्योंकि हम बाहर से भी सामान मंगा रहे हैं, कंज्यूमर को भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स ऐड किए हैं, अगर आपको कोई इजी लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देखते हैं, पहला है स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमारी ट्रेडिंग या नंबर ऑफ मार्केट में एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियस बात है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्पीड होगी। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रेडिंग बढ़ेगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगी। फिर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन, क्योंकि अब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन। इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी इकोनॉमी की जो स्केल है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। फिर आता है इंक्रीज कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब पहले सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही कॉम्पिटिशन था, अब थ्रू आउट दी वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको वही प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, तो इसीलिए जो कॉम्पिटिशन होगा वो मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन ये होगा हेल्दी, ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, मॉडिफाई करने में, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी को सूट हुई भाई ग्लोबलाइजेशन। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया को इकोनॉमी को सूट किया कहीं, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आए, इसीलिए एक एडवांटेज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को सूट कर रहा है। फिर कंज्यूमर्स को क्यों बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर एक एडवांटेज है, बिकॉज कंज्यूमर्स आर गेटिंग मेनी ऑप्शंस या वैरायटी मिल रही है उनको प्रोडक्ट्स की। फिर आता है इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो जाएगी टू कोप अप विद द एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट की जो भी डिमांड रहेगी उसको मीट करने के लिए अब इंडस्ट्री और ट्रेडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये थे 8 पॉइंट्स अबाउट एडवांटेजेस। अब आ यहाँ डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे। तो अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं क्या है, तो पहला ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी वो ज्यादा ग्रो कर रही थी, तो कहीं ना कहीं उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मोनोपोली है वो आ सकती है। इसके साथ और अगर हम लोग बोले तो गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन था वो बिल्कुल कम हो गया था, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना ये भी एक ड्रॉबैक है। इसके साथ साथ जो हम सोशल, हमारे जो नीड्स थे या सोशल रिक्वायरमेंट्स थी किसी सोसाइटी को, उसको हम भूल गए थे, बिकॉज हम लोग फुली कंसर्न थे इकोनॉमी को मॉनेटरी टर्म्स में ग्रो कराने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी बोला जा सकता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रही थी, बिकॉज कि हम बाहर से वो सामान मंगा ले रहे थे अगर हमें सस्ता मिल रहा था। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें तो 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स में ये रिच बेसिस पे था, यानी कि अब एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट इंटरनेशनली वही कराएगा जिसके पास इतना कैपिटल है, तो ये रिच बेसिस की तरफ ज्यादा था। फिर आता है एनवायरमेंटल, अब एक्सपोर्ट के नीड्स या पूरी वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें रिसोर्सेज का यूज करना पड़ा था, जो कि एक्सेस रिसोर्सेज यूज करने के कारण एनवायरमेंट को एक हजार टाइप का, यहाँ बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट को हम पहुंचा रहे थे। फिर आता है डेंजर ऑफ मोनोपोलीज, एमएनसी कंपनी ज्यादा एस्टेब्लिश हो रही थी तो कहीं वो मोनोपोली ना कर दे। फिर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कुछ एक्सटेंट तक, गवर्नमेंट का रोल नहीं था, ये मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस होते जा रहा था। फिर नेशनल, हमारी जो प्रायोरिटीज थी, नेशनल प्रायोरिटीज यानी कि एजुकेशन, हेल्थ,
इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो डिस्टॉर्शन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज, फिर उसके बाद रिवर्सल ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस थोड़ा वापस नहीं आ पा रहा था, मतलब हम सोशली ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये ज्यादा फ्लो कर रहा था। तो इस तरीके से आप एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख सकते हैं 8 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।